दुख इस बात का है, साधु हो जाने के बाद भी, घर छोड़ देने के बाद भी बहुत बार ये भाव बने रहते। घर छोड़ आए, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन अहम भाव नहीं जाता। यहां आकर भी अभिमान बना रहता है, और अभिमान वही जैसे गृहस्थों का होता है। भगवान महावीर ने तो अद्भुत अद्भुत बातें कही। भगवान ने कहा धन का अहंकार होता है, सुनो बंधु बहनों, धन का अहंकार होता है, तो ये कहा ज्ञान का भी अहंकार होता है। ज्ञान तो अहंकार दूर करने वाला है, लेकिन अपरिपक्व दशा में ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, और इतना हो जाता है मेरे बराबर मेरी समान और ज्ञानी कौन है, कोई भी नहीं है, इतना अहंकार हो जाता है। संसारी लोगों को यश की कामना होती है, तो साधु लोग भी इस गिरफ्त में आ जाते हैं। यहां भी मन हो जाता है हमारा खूब यश हो, बढ़ाई हो, लोग गाएं, लोग नाम लें। और तीसरी बात, जैसे संसारी में ईर्ष्या भाव रहता है, ऐसे ही साधु जनों में भी ईर्ष्या जन्म जाती है। अब क्या हो, होने की तो यह है, ये भाव जब तक रहते हैं तब तक साधुता ऊपर ऊपर रहती है, अंतर में नहीं आ पाती। जिसका अहंकार छूट गया, जिसके जीवन से यश की कामना चली गई और कभी ईर्ष्या का भाव नहीं आता, वही साधुता का स्वरूप परम शुद्ध और निर्मल होता है। ये छूटने बहुत मुश्किल होते हैं। घटना प्रसंग चल रहा था, सोनभद्र मुनि चातुर्मास बिता कर आए। गुरु ने देखा मेरा चौथा शिष्य भी आ गया, तीन पहले आ चुके थे, उनको आशीर्वाद दे चुके थे, अब चौथा शिष्य आया। इतना गुरु का मन आह्लादित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि वे उठे और कुछ आगे गए। शिष्य ने गुरु को नमन किया, वंदन किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया और कहा दुष्कर दुष्कर दुष्कर, तूने जो किया है वो अत्यंत दुष्कर, तीन बार कहा, बहुत मुश्किल है। साथ लेकर आए, पास में बैठाया, कुशल पूछी, सुखसाता पूछी, और उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा आपकी कृपा से मेरा चातुर्मास सफल हुआ और कोशा ने श्राविका के 12 व्रत अंगीकार कर लिए। अब वो सामाई करती है, प्रौषध करती है, धर्म ध्यान करती है, उसका जीवन ऐसा हो गया। गुरु ने कहा ये बहुत मुश्किल था वहां चातुर्मास करना, परिचय की जगह, और परिचय भी पूर्व परिचय क्या परिचय रहा था, उस स्थिति में अपने आप को इतना पवित्र बनाकर रखना, और तुमने उसको धर्म के रंग में रंग दिया, अद्भुत। चारों साधु संयोग से बैठे हुए थे, जो पहले आए थे वे भी बैठे थे, वे भी बैठे थे, और संत भी बैठे थे, सब ने धन्य धन्य कहा कि गुरु ने इसको आशीर्वाद दिया है, सचमुच में ये बहुत महान है। वन के अंदर आम के वृक्ष के ऊपर फल लगा, अब आम के पेड़ पर तो आम ही लगेंगे, फल लगा, हमें खाने के रूप में कोई फल की प्रशंसा नहीं करनी, हम संत हैं, हमने वनस्पति के खाने के रूप में प्रशंसा नहीं करनी, यहाँ केवल चर्चा है, इसलिए बात कह रहा हूं। फल, आम के पेड़ पर फल लगा, आम का फल लगा, सुंदर था, मनोहारी था,
रूप रंग से भी आस्वाद से भी उससे वो अत्यंत अत्यंत प्रिय था। उसे देख करके सबसे ऊंचे लगने वाला फल नारियल, जो ओंकार करता था मेरे से ऊंचा कोई नहीं है, उसने जब आम की प्रशंसा सुनी जल करके काला पड़ गया। समझ आई बात? कुछ इतनी ईर्ष्या हुई उसको देख करके कि नारियल काला पड़ गया। कटहल ईर्ष्या के मारे कांटे पैदा हो गए कटहल के अंदर। बताओ, मैं इतना अच्छा था, मैं ऐसा था, और ये कहां से जन्म पड़ा? एक और फल था, वो लगा था, वो खट्टा ही हो गया। इतना गुस्सा आया उसको, इतना गुस्सा आया, वो खट्टा हो गया। बंधुओं, जंगल के फलों में इतनी ईर्ष्या का भाव, उस आम के फल को देख करके कोई कैसा हो गया, कोई कैसा हो गया, गुस्से में भर गया, उसको देख करके उससे सब ईर्ष्या करते हैं। ये क्यों पैदा हो गया, ये क्यों उत्पन्न हो गया? इसके आने से हम सबकी महिमा घट गई, सब इसको फलों का राजा कहते हैं, इतनी ईर्ष्या हुई। जिस किसी व्यक्ति ने इस बात की कल्पना की, कहने के लिए की, सुंदर कल्पना की, फलों की ये स्थिति है और मनुष्यों की। बंधुओं, श्वानम श्वान दृष्टवा, कुत्ता कुत्ते को देख करके भौंकता है। कुछ नहीं, इतना बड़ा गांव पड़ा है, बच्चल ये भी कहीं टुकड़ा खा लेगा नहीं। गैर कुत्ताना नहीं चाहिए, हमारी बाउंड्री में कह लो, हमारी हद में, हमारी सीमा में, हमारे गांव में बड़ी ईर्ष्या होती। और क्या कहूं आपको, विचित्र सा लगेगा, साधुजनों में भी ईर्ष्या हो जाती है, एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है, बहुत अधिक ईर्ष्या। बंधुओं, यह आत्मा का पतन करने वाली है, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, ईर्ष्या का भाव आया, आत्मा का पतन होता। साधु सब वहां कह रही थी, गुरु में कमाल है, आशीर्वाद कितना पाया, धन्य हो इसको, इसकी साधना को धन्य हो। पर एक मन ऐसा भी था, किसी साधु का जो वहां बैठा था, मंत्री का बेटा है ना, इसलिए गुरु इतनी तारीफ कर रहे हैं। साधना तो हमारी थी, जाके देखो ना शेर की गुफा पर, कोई जंगल से ही निकल के दिखा दे, और शेर की गुफा पर, और चतुर्मास करना, चार महीने रहना। भाइयों, सपने में भी शेर दिखाई दे जाए ना तो पसीना आ जाए, सपने में भी, और प्रत्यक्ष में हो जाए तो फिर तो बात ही क्या। इतना खतरनाक जीव, इतना खतरनाक जानवर, और उसकी गुफा पर जाकर वहां चतुर्मास करना, बहुत बड़ी बात। प्राणों को दांव पर लगाना है, मौत को निमंत्रण देना है, वहां जाना, चतुर्मास करना, और फिर जिस तरह से वो गरजता हुआ आया था, और मेरी साधना से, मेरी समता से वो शांत हुआ, और वो मेरे पांव में लौटने लगा, कितनी बड़ी साधना की मैंने, दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। इसने क्या साधना कर दी? वहां महल में रहा, बताओ वहां क्या दुख था, महल में वहां क्या कष्ट था, वहां तो सब साता आराम और सुख ही सुख था। फिर भोजन की बात, भोजन वहां से भी लिया, चलो पड़ोस से भी लिया होगा, बताओ समय पर आहार भी उपलब्ध हो गया, रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई, वहां रहे, दुख क्या था वहां, जिसके लिए दुष्कर दुष्कर कहना पड़ा गुरु को तीन बार, ये सिवाय पक्षपात के और क्या बात है? ये पक्षपात है, ये हमने इतना बड़ा काम किया, हमें तो एक ही बार कहा दुष्कर, और इसको तीन बार कहा, मन में कौन सा भाव उठा भाइयों?
हाँ जी श्राव को आम को देख करके नारियल जलकर खाक हो गया, काला पड़ गया, इतनी ईर्ष्या हुई, इतनी ईर्ष्या हुई उस साधु को। बता क्या बड़ी बात हो गई। गुरु कहते ना बहुत बड़ा काम कर दिया, लाओ हम कर रहे थे चतुर्मास, एक क्या कितने कर लेंगे चतुर्मास, वहां ऐसी जगह महल में चतुर्मास करने को मिले, क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, समय आने दो, समय पर उत्तर देंगे इस बात का, अब तो क्या कहना, ठीक है। दिन का मान कुछ आगे को बढ़ा, संत लोग अपने कार्यों में लग गए, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, कोई ध्यान में, समाधि में, कोई सेवा में, कोई स्वाध्याय में, सब के अंदर अपने अपने कामों में लगे। उस साधु के मन में ये खटक बनी रही और वह साधु था सिंह की गुफा पर चतुर्मास करने वाला, इतने खतरनाक जगह है, जिसने चतुर्मास किया वह साधु। उसे समय के इंतजार थी, समय आएगा और फिर मैं इस बात का उत्तर दूंगा। बंधुओं समय जाते क्या देर लगती है, देखते देखते कैसे गुजर जाता है समय। शेष काल जिसे कहते हैं, एक चतुर्मास से अगले चतुर्मास के बीच का समय, चतुर्मास से अतिरिक्त समय शेष काल कहलाता है, बचा हुआ समय 8 महीने का, उसमें अधिकांश समय व्यतीत हो गया। अब फिर चतुर्मास की वेला आई, अब फिर से हुआ आगे के चतुर्मास की चर्चाएं शुरू, चतुर्मास करना है कहाँ करना है। समय आते ही वह साधु जिसके मन में ईर्ष्या थी, वह गुरु के पास आया, नमन किया, गुरुदेव चतुर्मास समीप आ रहा है, हाँ बस इस बार भी आपसे आज्ञा चाहूंगा स्वतंत्र अकेले चतुर्मास करने की। अच्छा, इस बार कहाँ चतुर्मास करना है। गुरुदेव इस बार मेरा मन है कि मैं कोशा के यहां जाकर के चतुर्मास करूं, उसके महल में चतुर्मास करूं। क्यों गुरुदेव? बस ऐसा ही मन है, पिछली बार मैंने सिंह की गुफा पर किया था, इस बार मैं सोचता हूं चलो शहर में और कोशा के राजभवन में वहां जाकर के चतुर्मास करूं, मैंने ऐसा सोचा। गुरु बोले वत्स, थोड़ा सोच लो और अपने आप को तौल लो। गुरुदेव मैंने सोच लिया, मैंने अपने आप को तौल लिया, इस बार चतुर्मास मैंने कोशा के भवन में करना है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुरु को वंदना की और गुरु से आज्ञा ली और वो साधु चतुर्मास के लिए चल पड़े। मन में है मैं चतुर्मास करके दिखाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है बोलो, महल में चतुर्मास करना कोई मुश्किल बात है क्या? वो बार बार उसी बात को सोचता है, स्थूल भद्रा है तो यूं कहा दुष्कर, दुष्कर क्या, दुष्कर की बात 3 बार कहा, कौन सी बात हो गई, लो हम मैं करके दिखा देता हूं, क्या कठिन बात है इसके अंदर। वे साधु बढ़ चला अपने पथ के ऊपर, जा रहा है पाटलिपुत्र की ओर, जहाँ मन में कल्पनाएं थी कोशा के यहाँ जाना है, वहाँ चतुर्मास करना है, जगह तो मिल ही जाएगी और वहाँ चतुर्मास करूँगा, देखूँगा क्या कठिनाई आती है, क्या दिक्कत होती है वहाँ पर। वह सोचता है, आगे बढ़ता जाता है। श्रद्धाशील बंधुओ एवं श्रद्धाशील बाहर नमिराज ऋषि और इंद्र के मध्य वार्ता हो रही है। पूर्व प्रसंग सब
आपकी स्मृति में होगा। इंद्र ब्राह्मण के वेश में हैं, नमिराज मिथिला का राज वैभव सब छोड़ कर यहाँ वन में आए हैं और मुनि जीवन स्वीकार किया। उनके मध्य जो बात हो रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो इंद्र के सारे प्रश्न एक संसारी आदमी जो साधु के बारे में सोचता है, सारे प्रश्न वही है। आज हम जिस प्रश्न की चर्चा करेंगे वह प्रश्न क्या है, शास्त्र की भाषा में आमों से लोम हारे ये गंठी भेय ये तक करे नगरस खेमं कावुणं तौ गच्छसी कतिया। हे महानुभाव, आप राज्य छोड़कर मुनि बन रहे हैं, लेकिन पहले अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें।